दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक सिकंदर लोदी को इस जगह पर पहली बार में दफनाया गया था। उसके बाद में उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने जहांगीर जब आया करते थे शिकार करने के लिए तो इन्हीं के अंदर वो रुका करते थे, आराम किया करते थे। मैं ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाली जो बुर्ज है वो टूट चुकी है और ये कुछ माना जाता है जहांगीर ने इस पूरे महल को अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था क्योंकि वो उन्हीं के साथ में शिकार करने के लिए आया करते थे। तो देख हम आपको दिखाने वाले हैं 1605 ईस्वी में बनाया गया था जहांगीर के द्वारा ये कांच महल, देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा बना हुआ है। तो इस महल को जहांगीर ने शिकारगाह के रूप में बनाया था क्योंकि यहाँ पर वो जब वो शिकार करके आया करते थे तो उनको एक ऐसा महल चाहिए था जहाँ पर वो आराम कर सकें। तो ये वो खूबसूरत सा उन्होंने महल बनाया था जिसे बोला जाता है कांच महल। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन इस महल में हमें देखने को मिल रही है। और ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे यहाँ पर जो नीला नीला आपको दिख रहा है, यहाँ पर उस समय में कांच लगा हुआ करती थी जो रात की रोशनी में यानी कि चांद की रोशनी में पूरा कांच जैसा यानी कि चमका करता था। ये माना जाता है जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए क्योंकि वो उन्हीं के साथ में हंटिंग यानी कि यहाँ पर शिकार करने के लिए आया करते थे तो इसी कांच महल में वो आराम किया करते थे। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं काफ़ी खूबसूरत सी इसमें नक्काशी हमें देखने को मिल रही है, आइए करीब से दिखाते हैं। इस वाले हिस्से में देखेंगे आपको जो हाथी की डिज़ाइन है, कुछ कलर्स की डिज़ाइन है और कुछ फूल पत्तियों की डिज़ाइन है, ये पूरे के पूरे बाहर वाले हिस्से में हमें देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं कुछ नीले कलर की टाइल्स हैं जो उस समय में यहाँ पर कांच लगा हुआ करती थी कुछ बालकनी वाले हिस्से में। और ये वाली जो आर्च देख रहे हैं इसको बोला जाता है ट्रू आर्च। और इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर उनके जो सैनिक हुआ करते थे, जब वो बादशाह यहाँ पर आया करते थे तो उनके सैनिक यहाँ पर उनका स्वागत किया करते थे। तो ये पूरा का पूरा नज़ारा आप कर सकते हैं इसका फ्रंट गेट का जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो अब हम आ चुके हैं इस महल के यानी कांच महल के अंदर वाले हिस्से में। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी इसकी जो डिजाइन है इस पूरे के पूरे कांच महल में हमें देखने को मिल रही है। जहांगीर जब आया करते थे शिकार करने के लिए तो इन्हीं के अंदर वो रुका करते थे, आराम किया करते थे। माना जाता है जहांगीर ने इस पूरे महल को अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था क्योंकि वो उन्हीं के साथ में शिकार करने के लिए आया करते थे। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा पूरा का पूरा ये महल बना है जो मुगल आर्किटेक्चर है उसमें देखने को मिल रहा है। कुछ पिलरों पे आप देख सकते हैं जिगजैग की डिजाइन इसमें हमें देखने को मिल रही है। और ये वाली जो इससे देख रहे हैं ये वाले ये ऑयल लैंप है यानी कि जो मशाल हुआ करती थी इसमें मशाल जलाई जाती थी क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो इस तरीके की मशालें यहाँ पर लगाई जाती थी। तो ये है पूरा का पूरा वो कांच महल जो जहांगीर के द्वारा बनाया गया था 1605 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी में। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आया हूँ इस अकबर टोम्स के उस हिस्से में जहां पर सिकंदर लोदी का मकबरा बना हुआ है। तो देख सकते हैं ये है सिकंदर लोदी का मकबरा जहां पर उनको पहली बार में दफनाया गया था यानी कि दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक सिकंदर लोदी को इस जगह पर पहली बार में दफनाया गया था। उसके बाद में उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने करीब 16वीं शताब्दी में यहाँ से निकाल कर उनको दिल्ली के लोदी गार्डन में ले गए। इस वाले पोर्शन में नीचे वाले हिस्से में उनको दफनाया गया था ये वाले इस वाले हिस्से में। और ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे उनका ये पूरा का पूरा जो मकबरा बना है, आइए करीब से दिखाते हैं इस मकबरे को। तो यहां पर उनको दफनाया गया था पहली बार में, देख सकते हैं आप अंदर वाले हिस्से में काफी अंधेरा है। हैं इसके ऊपर और देखते हैं इस खूबसूरत से मकबरे को। तो देख सकते हैं बाहर वाली तीन मेहराबें हमें देखने को मिल रही हैं। पूरा का पूरा जो मकबरा है अष्टकोणीय आकार में यानी कि आठ भुजाओं में बना हुआ है। और ये देख सकते हैं सामने वाला गेट सादा सिंपल सा गेट है और कुछ पत्थर आप देख सकते हैं जो पहाड़ जो अरावली के पत्थर है वो हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। टूट फूट चुका है ये पूरा का पूरा मकबरा। इसी जो डिजाइन है इस मकबरे में वो हमें देखने को मिल रही है, कुछ डिजाइन आप देख सकते हैं मुगल कालीन। और ये पूरा का जो मकबरा बना था करीब 17वीं शताब्दी में इस मकबरे का निर्माण कराया था इब्राहिम लोदी ने और फिर उसके बाद में दिल्ली के जो लोदी गार्डन है वहाँ पर उनको ले गए थे, यही वहीं पर उनको दफना दिया था। तो बड़े बड़े बादशाह और पानी मांगा करते थे इनके सामने। तो ये देख सकते हैं ये है वो अंदर वाला हिस्सा।
काफी खूबसूरत डिजाइन आज भी हमें देखने को मिल रही है 500 साल बाद भी। तो ये पूरी जो डिजाइन है, कुछ डिजाइन आप देख सकते हैं इसमें है अभी, और कुछ डिजाइन आप देख सकते हैं वो टूट चुकी है। इसके देख सकते हैं करीब 8 गेट हैं बाहर जाने के, 8 ही गेट हैं इसके अंदर आने के। और ये जो आगरा का जो मेन हाईवे है सिकंदरा का, जस्ट उसके काफी करीब में ही ये पूरा मकबरा बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं कुछ जो लाहौरी ईंट होती है, यानी कि जो ककैया ईंट होती है, उसी का प्रयोग हुआ था इस पूरे महल में, जो आज भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है 500 साल बाद भी। कुछ छोटी छोटी मेहराबें, कुछ खूबसूरत सी नक्काशी। तो ये है वो खूबसूरत सा मकबरा जो सिकंदर लोदी के समय में, यानी कि उनके बेटे इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया था। आइए बाहर से भी नजारा कराते हैं इस पूरे मकबरे का। तो बाहर वाला हिस्सा देख सकते हैं काफी हद तक टूटा फूटा नजर आ रहा है हमें। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाली जो बुर्ज है वो टूट चुकी है, और ये कुछ हिस्सा है इसका टूटा हुआ। यहाँ देख सकते हैं कुछ उस समय की डिजाइन जो अभी भी बची हुई है। ये वाला पोर्शन देखिए, ये पूरा जो पोर्शन है टूट चुका है, इसमें हो चुकी है जो रिपेयरिंग आप देख रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा अकबर टोम्स का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।